चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर्स करे जहाँ पर हम लोगों ने डेटा की अलग अलग तरह से एनालिसिस करने के लिए रिप्रेजेंटेशन करनी सीखी। हम लोगों ने बार ग्राफ्स देखे, डबल बार ग्राफ्स देखे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके अलावा हम लोगों ने हिस्टोग्राम देखा और रॉ डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो कि पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 करी। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर चार्ट्स या फिर जिसको हम लोग पाई चार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पाई चार्ट्स बनाना सीखेंगे, पाई चार्ट्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। वाइट स्लेट पढ़ाई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सब कुछ बहुत सिंपली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक्स भी सारे क्लियर हों और हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन भी आप लोग ईजिली कर पाएँ। तो पाई चार्ट क्या होता है, देखो पाई चार्ट कुछ इस तरह की चीज़ होती है। ये हो गया हमारा एक पाई, सर्कल को हम लोग पाई बोल रहे हैं या फिर आप इसको सर्कल भी बोल सकते हो, सर्कुलर ग्राफ्स या फिर पाई चार्ट बोलते हैं हम लोग इसको, लेकिन पाई चार्ट एक ज़्यादा कॉमन नेम है। तो जब भी आप ऐसा एक सर्कल बना लेते हो तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं ये मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो अगर एक लाइन में यहाँ से ऐसी ड्रॉ करूँ जो सर्कल के सेंटर से पास होते हुए दूसरे एंड तक जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पेन उठाए बिना यहाँ से यहाँ तक बनाई, तो आपको दिख रहा होगा और आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे कि ऐसा करने पे हमने क्या किया, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल। आधा का मतलब क्या होता है, 50%। पूरा सर्कल 100% है तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, आधा वाला हिस्सा 50% और बचा हुआ आधा 50%। ऐसे ही अगर मैं एक और लाइन इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के, इस वाली लाइन के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ऐसी एक और लाइन ड्रॉ कर दो, तो आप क्या कहोगे कि अब ये जो सर्कल है ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, और चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, मतलब 100% जो हमारा सर्कल था वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो 100 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब कि अब ये 25% है, ये 25, ये 25 और ये 25। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इस पूरे के बीच में से मैं एक सेंटर तक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो अब ये क्या हुआ कि ये सब तो 25 है बट ये वाला 25 फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 25/2 और ये कितना आ जाएगा, 12.5। तो अब आप कह सकते हो कि ये इतना पूरे सर्कल का 12.5% हिस्सा है, ये इतना, ठीक है। ऐसे ही ये वाला इतना पूरे सर्कल का 12.5% हिस्सा है और ये कितना है, 1/4, मतलब कि 25%। ऐसे ही अगर आप चाहो तो इस पूरे को तीन पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो या पांच पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, अनइक्वल की नहीं, सारे इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। मान लो ये पांचों इक्वल हैं, वैसे तो ये बड़ा दिख रहा है बट मान लो कि ये पांचों इक्वल हैं, तो आप क्या हुआ, ये 25 पांच पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आप क्या करोगे इसके लिए, 25/5, मतलब कि एक एक पार्ट कितना परसेंट है पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का, सिर्फ इतने का नहीं, पूरे सर्कल का 5% है, ठीक है। तो आप लिख दोगे ये सब 5% है पूरे सर्कल के। तो इस तरह से हम लोग एक सर्कल को उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम लोग उस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एज अ पूरी चीज़ का, मतलब सपोज़ आपका एक दिन है, दिन 24 आवर्स का होता है। अब आप कहो कि 24 आवर्स में मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें क्या करता हूँ, तो मतलब एक पूरी चीज़ के पर्टिकुलर पार्ट्स को हम लोग पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने दिन का एग्जांपल दिया 24 घंटे, तो 24 घंटे में ये रहा 25%, तो मैं कह देता हूँ कि मेरे 24 घंटे के 25% टाइम में, 24 घंटे का 25% कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 25% लिखा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 25/100 और ये कितना हो जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4। तो 25% अगर आप एक दिन का निकालोगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो अगर आप निकाल रहे हो 25% ऑफ 24 आवर्स, मतलब एक दिन का, ऑफ जब भी लिखा आएगा तो मैंने एक लेक्चर में बताया था, अभी जो डाउट वाला एक लेक्चर बनाया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 25% को तो 1/4 लिख दोगे सीधा सीधा, इंटू 24,
तो 24 घंटे का 25% कितना हो जाएगा 1/4 × 24, और ये कैंसिल हो रहा है 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, तो ये हो जाएगा 6 hours, ठीक है। और वैसे भी हमें पता था 25% मतलब 1/4 होता है, 24 का 1/4 कितना होता है 6 hours, तो 25% एक दिन का हो गया 6 hours। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये पूरा जो पाई चार्ट है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इतना पार्ट क्या करेगा, उसका 1/4 6 hours को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये 12.5 वाला कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 12.5% मतलब कि डिवाइड बाय 100 करोगे, और इंटू क्या करोगे, इंटू आप करोगे 24 hours, क्योंकि ये पूरा 24 के बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना 1/8 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 3 hours। तो ये वाला इतना जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ये पूरे दिन के 3 hours को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये पूरा पाई चार्ट 24 hours या फिर एक दिन के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ये तो थोड़ी सी एक छोटी सी एनालिसिस हो गई और काफ़ी हार्ड लेवल पे बताई मैंने, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। तो अब देखो इसको बनाते कैसे, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है एडजॉइनिंग पाई चार्ट, मतलब जो पाई चार्ट गिवेन है वो हमें दे रहा है एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली। तो एक फैमिली अलग अलग चीज़ों पे कितने खर्चे कर रही है वो, और कितनी सेविंग्स कर रही है, वो सब चीज़ें हमें इस पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करी गई है, और उससे बेस्ड उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि अब इस पाई चार्ट को आपको कैसे रीड करना है, कि जितनी भी फैमिली की अर्निंग है, मान लो 100 रुपये अर्निंग है, तो उसका 15% वो लोग सेव कर रहे हैं, तो 100 रुपये का 15% क्या सीधा 15 हो जाता है, मतलब अगर एक फैमिली 100 रुपये कमा रही है पूरे महीने में, तो 15 रुपीज़ वो सेव कर रही है। 10% मतलब कि 10 रुपये वो क्लोथ्स पे खर्च कर रहे हैं, 25% मतलब कि 25 रुपये वो फूड पे खर्च कर रहे हैं, 15% एजुकेशन पे, और इसी तरह से 10 रेंट पे, 5 ट्रांसपोर्ट पे, और 20% पैसा और अलग अलग चीज़ों पे जो भी उनकी होंगी उस पे वो लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये हमें समझ आता है इस पाई चार्ट से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। तो उसने हमसे पूछा कि कौन सा आइटम जो है उस पे सबसे ज़्यादा खर्चा फैमिली ने किया है, तो जाहिर सी बात है जिस भी चीज़ का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा खर्चा उसी पे सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा खर्चा अदर्स में जा रहा है 20%, या फिर एजुकेशन में 15 ही है, तो सबसे ज़्यादा हाँ ये देखो फूड में जा रहा है 25%, इससे ज़्यादा और किसी चीज़ में नहीं है कहीं पे भी परसेंटेज। और पाई चार्ट क्यों बनाया है, पाई चार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शायद फिगर, ये वाली फिगर आपको सही से नहीं समझ आ रही हो, बट अगर एक्यूरेट ग्राफ लेके फिगर बनाई जाएगी तो ये वाला जो हिस्सा है फूड को 25% दिया है इस पूरे पाई चार्ट में वो सबसे बड़ा दिख रहा है। ये वाला देखो उससे छोटा है, ये भी उससे छोटा है, ये शायद आपको बराबर लग रहा हो बट ये वाला भी इससे छोटा है, ये दोनों और ये तीनों तो ऐसे ही दिख ही रहे हैं उससे छोटे हैं। तो पाई चार्ट हमें ये बिना देखे भी, ये जो लिखा हुआ 10-5% ये देखे बिना भी हम लोग बता सकते थे कि फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पाई चार्ट का ये फ़ायदा है। अभी तो हमने अलग से लिख भी दिया है कि 25% है, तो परसेंट में देख लिया 25 सबसे ज़्यादा फूड पे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है, फूड पे हो रहा है। अब एक चीज़ और है, क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा था बट हम लोग उसको, अच्छा इसको तो हम लोग कन्वर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल सैलरी तो हम लोग दे नहीं रखी है, हमने अज्यूम किया था जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला कि मान लो 100 रुपये, तो अगर यहाँ पर दे रखा होता तो उसका 25% हम निकाल के बोल देते कि फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। पता है कैसे, मतलब कि अगर यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा हमें ये और दे देता कि पूरी फैमिली जो है वो मंथ में 1000 रुपये कमा रही है, मतलब 1000 रुपये उनकी सैलरी है, तो इस 1000 का ही तो 25% वो लोग खर्च करेंगे जो उन्होंने कमाया है, तो 25% ऑफ 1000 जैसे अभी पीछे समझाया था मैंने, तो 25% क्या होता है 1/4, 1/4 कैसे आता है ये भी बताया था, परसेंट का मतलब होता है 100, तो आप 25/100 लिख दोगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ से 1000, ठीक है। ये दो ज़ीरो और वन, इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास 25 × 10 बचेगा जो कि होता है 250, मतलब कि अगर इस फैमिली की 1000 रुपये सैलरी थी, 1000 रुपये ने मिल रहे थे, तो उसमें से 250 रुपीज़ ये लोग अपने खाने पे, फूड पे खर्च कर रहे थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स। अब हमें बताना है कि सेविंग्स जितनी हो रही हैं इतना ही खर्चा किस आइटम पे हो रहा है। सेविंग कितनी हो रही है, 15%। अगर यहाँ पर आप 15% इसके अकॉर्डिंग निकालोगे जो हमने एज्यूम किया है, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको और हार्ड चीज़ सिखाने के लिए है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन शायद ना पूछें। तो अगर यहाँ पे 1000 रुपये 15% का रखोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 25 का 250 आया था ऐसे ही 15 का 150 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर 1000 रुपये फैमिली कमा रही है तो 150 रुपीज़ सेव कर रही है। ठीक है, फिलहाल लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, फिलहाल हमें मतलब है कि जितनी सेविंग्स हुई हैं, कितनी सेविंग्स हुई हैं 15%, उतना ही खर्चा कौन सी चीज़ पे हो रहा है। तो देखो 15% किस पे हो रहा है, इस पे तो हो नहीं रहा है, इस पे 20 है, इस पे 5 है, इस पे 10 है, ये रहा 15% खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे, मतलब 15% सेविंग्स जा रही हैं और 15% एजुकेशन पे जा रहा है। तो आप लिख दोगे एक्सपेंडिचर जो है वो कौन सी, सेविंग्स जो है वो कौन सी चीज़ पे एक्सपेंडिचर के बराबर है, एजुकेशन पे। यहाँ आंसर था हमारा फूड, यहाँ आंसर है हमारा एजुकेशन। जितना पैसा हम सेव कर रहे हैं, हम मतलब वो सेव कर रहे हैं, उतना ही पैसा वो एजुकेशन पे भी खर्च कर रहे हैं। इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज़ ₹3000, देखो अब आ गया ये, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। उसने हमसे कहा, अब आप इस 1000 को भूल जाओगे क्योंकि उसने हमें बोल दिया कि फैमिली की सैलरी जो है वो 3000 है। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना है, तो देखो क्लोथ्स कहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रहे क्लोथ्स। क्लोथ्स पे कितना कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज में, 10%, और ओवरऑल सैलरी कितनी है, 30,000। तो इस 3000, तो इस 3000 का ही 10% तो हम लोग खर्च करेंगे, तो 10% ऑफ 3000। इसके पीछे आप स्टेटमेंट लिखोगे पूरा, क्या पूछा है उसने, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो यहाँ आप लिखोगे मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 3000। क्यों, क्योंकि इस 3000 का ही 10% खर्च करेंगे। ओवरऑल ये एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, हमें गिवन था, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर, इस पूरे को एक्सपेंडिचर दे रहा है और ओवरऑल उसने कितना दे रखा है, 3000 है हमारी। इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000, ओके ये सेविंग्स 3000 है, एक्सपेंडिचर नहीं, मतलब कि ये 15% जो है वो 3000 के बराबर है। तो इससे आपको क्या मिला कि 15% इज इक्वल टू 3000, किस चीज़ का 15%, जो ओवरऑल फैमिली अर्न कर रही है, मान लो x है। ठीक है, मान लो ओवरऑल x है, तो 15% ऑफ x जो है वो 3000 है। हमें कितना परसेंट निकालना है, हमें 10% निकालना है क्योंकि क्लोथ्स 10 है। तो देखो 15% को 10% में आप कैसे बदल सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो बड़े आराम से, 15% मतलब कि अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू, और x को एज इट इज़ लिख दो, इनटू 3000। अब हमने सॉल्व करना सीखा था इसको, फ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पर, तो x कितना आ जाएगा, 3000, ये नीचे 100 डिवाइड में लिखा हुआ है, यहाँ जाके आप इसको मल्टीप्लाई बना दोगे, इनटू 100, 15 जो है मल्टीप्लाई में लिखा है x के साथ, नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x क्या है कि टोटल कितना उन्होंने अर्न किया है, टोटल एक्सपेंडिचर उनका क्या है। तो यहाँ से कैंसिल कैसे होगा, 15, 2 ज़ा 30, और 2 ज़ीरो बचे हैं तो 2 ज़ीरो एज इट इज़। अब 200 इंटू 100 क्या होता है, 200 को एज इट इज़ लिख लो और 100 के 2 ज़ीरो इसमें लगा दो। तो ओवरऑल जो फैमिली का हम यहाँ पे 1000 रुपये लेके चल रहे थे ना ऐसे ही अपने समझने के लिए, तो ओवरऑल फैमिली जो है वो 20,000 रुपीज़ जो है वो अर्न कर रही है। अब हमें 10% निकालना है इस 20 का। ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये तो उसके लिए होता, इस 20,000 के लिए 15% ऑफ x। ठीक है, तो अब आपने x कभी भी लिख दिया है तो सबसे पहले आपको x को मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट आएगा, लेट अर्निंग्स ऑफ द फैमिली बी x, कि टोटल वो जो पैसा कमा रहे हैं वो x है। अब इस x का वो 15% बचा रहे हैं, 10% क्लोथ्स पे लगा रहे हैं, 25% फूड पे लगा रहे हैं, और एंड सो ऑन। तो अब हमें इस x का जो कि हमने 20,000 रुपीज़ निकाला है 10% निकालना है। तो 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 20,000, 10% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू, और 20,000।
दो जीरो से दो जीरो चले गए, 10 × 200 मतलब 200 के बाद एक और जीरो इस 10 के साथ का, तो 2000 रुपीज़ जो हैं वो लोग खर्च कर रहे हैं क्लोथ्स पे, ठीक है। लेट द अर्निंग्स ऑफ फैमिली भी एक्स आपने किया, उसके बाद ये आप लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे ये स्टेटमेंट। इससे हमें मिल गया कि 2000 रुपीज़ क्लोथ्स पे खर्च हुए हैं। पहली बार आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगे, बट मैं आपको वादा करता हूँ कि ऐसे 3 क्वेश्चंस भी अगर आप लोग कर लेते हो, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज में करेंगे, आपको अलग से कहीं से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो अब हमें वो करना है जो हम करने वाले थे, फिर हम एग्जांपल्स देखने लगे। हमें एक पाई चार्ट बनाना है गिवन डेटा से। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ समझनी है, देखो कि जब भी पाई चार्ट बन रहा है कुछ इस तरह से और कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये जिन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला तो जो अभी हमने देखा कि मैं परसेंटेज लिख दूँ, जैसे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा परसेंटेज के टर्म्स में पाई चार्ट। इसके अलावा इसी परसेंटेज को, अगर इस परसेंट को मैं 1/100 करके लिख दूं, तो इसी 25% को आप 1/4, इसको भी 1/4, इसको भी 1/4 और इसको भी 1/4, ऐसे फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, परसेंटेज के टर्म्स में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इन दोनों चीज़ों के अलावा जो रियलिटी में डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे मान लो कि ये पूरी पाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1000 रुपये को, ठीक है, तो एक पार्ट जो 1/4 पार्ट है या फिर 25% है वो कितना हो जाएगा, 1000/4 मतलब कि 250 रुपये। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा, ये तो हो गई एक फ्रैक्शन बता दिया या परसेंटेज बता दी कि ओवरऑल पाई का ये इतना परसेंट पार्ट है, इसके अलावा वो सीधा इस डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि ये इतना हिस्सा 250 रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 250 रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 250 को कर रहा है और ये भी 250 को कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती हैं, या तो परसेंटेज, या तो फ्रैक्शन, या फिर एक्चुअल डेटा जो रिप्रेजेंट हो रहा है, और इन 3 चीज़ों से आपको आपका पाई चार्ट बनाना होगा। तो देखो 3 चीज़ों में सबसे सिंपल होगा आपके लिए जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगा, जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगा तब सबसे सिंपल होगा कैलकुलेट करना, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन गिवन होगा हमें उसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/4 गिवन था तो आपने उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ जाएगा, 4 × 9 = 36 = 0, 90 मिल गया आपको। ये एक्चुअली 360 डिग्री है, क्योंकि एक जब सर्कल बनता है तो 360 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री मिला आपको। इस 90 डिग्री का ये मतलब है कि जो आपका ओवरऑल सर्कल बना हुआ है उसमें आपको सेंटर से पास होते हुए 2 ऐसी लाइंस बनानी हैं जो आपस में 90 बनाएं। एक लाइन तो आप रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर लोगे पहले, अब आपको इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन बनानी है, तो इस तरफ भी बना सकते हो और इस तरफ भी, मैं मान लो इस तरफ बना रहा हूँ 90 डिग्री। तो ये जो 1/4 था ना, इसका 360 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 90 मिला था, इस 90 का यही मतलब था कि ये 1/4 जो है वो एक 90 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने सब सेम लिए थे तो यहाँ पर सारे 90 डिग्री के आ जाएंगे, तो आप सारी 90 डिग्री की ही लाइंस ड्रॉ कर देंगे और हमारी पाई बन जाएगी जब भी आपको 1/4 गिवन होगा। अब अगर आपको फ्रैक्शन नहीं गिवन है, डाटा गिवन है या परसेंटेज गिवन है, तो क्या करना होगा, तो आपको फ्रैक्शन तक आना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को ही 360 में मल्टीप्लाई करके हमें वो एंगल मिलेगा जो हमें इस पाई में के अंदर बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे अब हम लोग वो देख लेते हैं। देखो अगर परसेंटेज मिल गया आपको, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना बहुत आसान है। कैसे, मुझे मिला था 25%, इसको फ्रैक्शन में बदलना इतना सिंपल है कि बस परसेंट को हमने देख लिया क्या होता है, 1/100 होता है, तो परसेंट को सीधा 1/25/100 लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 25 × 1 = 25 और 25 × 4 = 100, तो ये 1/4 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते ही 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे और एक एंगल मिलेगा, ठीक है। उस एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं अच्छे से देखेंगे, अभी तो रफली मैंने बता दिया कैसे करना है, बट अच्छे से समझेंगे उसको। तो ये हो गया फ्रैक्शन और परसेंटेज जब आपको गिवन है।
अब थोड़ा मुश्किल आपके लिए, मुश्किल नहीं कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, मुश्किल कुछ नहीं है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव कब होगा, जब आपको इस तरह से आपको पूरा डेटा दे देंगे परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन देने की जगह। तो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर डे पे एक बेकर, बेकरी होती है वहाँ पे जो होते हैं उनको हम काम करते हैं उनको बेकर्स बोलते हैं, जो बनाते हैं वहाँ का सामान। तो बेकर शॉप पे ऑन अ पर्टिकुलर डे कितनी चीज़ें बिक रही हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑर्डिनरी ब्रेड, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं वो 320 कितने में रुपीज़ में दे रखी है, तो 320 रुपए की ब्रेड बिक रही है। ऐसे ही फ्रूट ब्रेड जो मीठी वाली ब्रेड होती है वो 80 रुपए की बिक रही है हर रोज़। केक्स और पेस्ट्रीज हर रोज़ 160 रुपीज़ की बिक रही हैं। बिस्किट्स जो हैं वो हर रोज़ 120 रुपीज़ के बिक रहे हैं। और चीज़ें जैसे टॉफ़ी हो गए, चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें 40 रुपीज़ की बिक रही हैं। अब हमें इस डेटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, पर हमें ना तो परसेंटेज पता है और ना ही फ्रैक्शन पता है। तो अब क्या करेंगे, जब भी डेटा गिवन होगा तब हम डेटा से भी डायरेक्टली फ्रैक्शन पे जा सकते हैं, जैसे परसेंटेज पे डायरेक्टली फ्रैक्शन पे जा सकते हैं ऐसे ही डेटा से भी जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जितनी भी सिंगल सिंगल चीज़ें दे रखी हैं, देखो अगर आप पाई को समझने की कोशिश करोगे इस वाले पाई को, तो क्या होगा, ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, कहीं पे ये 40 रुपीज़ रिप्रेजेंट हो रहा होगा, कहीं पे 120 रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इस तरह की चीज़ें। तो जब इन सबका सम कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल यही तो मिल जाएगा कि ओवरऑल कितने रुपीज़ को ये पाई रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सबका सम कर दिया इन सबका सम, तो ओवरऑल मुझे मिल जाएगा कि ये पाई कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 320 प्लस 80 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 40, इन सबका टोटल ये हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है देखो, 320 प्लस 80 हो गया 400 प्लस 160 हो गया 560 प्लस 120 हो गया 680 और ये 40 हो गया 720। तो इन सबका टोटल आ रहा है 720, ठीक है। अब टोटल परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है जो भी आपकी ये वाली सिंगल वाली चीज़ है, मतलब प्राइस ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल, परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 320 इस 720 का कितना फ्रैक्शन हुआ, 320 अपॉन 720, ये लो, इतना सिंपल था। सिर्फ इन सब का टोटल कर दो और इन सब को उससे डिवाइड कर दो तो आपको इन सब की पर्टिकुलर फ्रैक्शन मिल जाएगी, ये टोटल का कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है, ठीक है। तो 320 अपॉन 720, जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे, और देखो फिर क्या कैंसिल हो रहा है, फोर से दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 4 8 32 और 4 72, फोर से कैसे कट करोगे, 4 1 4 3 बचा 32 हुआ, 4 8 32, 8 upon 18 आया, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 8 2 9 18। तो ये जो 320 था ये 4/9 फ्रैक्शन है ओवरऑल पाई का, इतना आपको पता चल गया। अब इसको यहाँ पे तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, बट जब आप एग्ज़ाम के लिए करेंगे तब आपको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, आपको बनाना पड़ेगा एक टेबल, ठीक है। टेबल में 4 पार्ट्स होंगे, पहले पार्ट में आप कैटेगरी लिखोगे, मतलब कि ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक्स, बिस्किट, ठीक है, पहले में लिखोगे कैटेगरी। तो कैटेगरी हमारे पास क्या क्या है, देखो सबसे पहले है, सिर्फ ब्रेड लिख रहा हूँ मैं ऑर्डिनरी ब्रेड की जगह, ब्रेड, फिर फ्रूट ब्रेड, उसके बाद है हमारे पास केक्स एंड पेस्ट्रीज, फिर है हमारे पास बिस्किट, फिर हमारे पास अदर्स, ठीक है। तो पहले कॉलम में तो कुछ मेहनत करी नहीं आपने, सिर्फ जो क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी थी कैटेगरी की वो लिख दी। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, इन सब की इंडिविजुअल सेल दे रखी है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, अभी हम लोग वो केस कर रहे हैं जिसमें हमें डेटा गिवन है। डेटा की जगह अगर परसेंटेज गिवन होती तो यहाँ पर लिख देते आप परसेंटेज और सबकी परसेंटेज लिख देते, बट डेटा गिवन है तो यहाँ सेकंड वाले कॉलम में डेटा लिखोगे, तो सेकंड कॉलम में वो चीज़ लिखनी है जो आपको ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट में भी वही है जो गिवन चीज़ है, सेकंड में भी उसके प्राइस लिख देने, तो सेकंड में आप लिख दोगे इसका प्राइस। तो ब्रेड कितने रुपए की बिक रही है हमारी, 320 की। फ्रूट ब्रेड बिक रही है 80 रुपीज़ की। केक एंड पेस्ट्री 160 रुपीज़ की। बिस्किट बिक रहे हैं 120 रुपीज़ के।
और अदर्स बाकी चीज़ें बिक रही हैं 40 रुपीज़ की। ठीक है, इतना सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन था। अगर यहाँ परसेंटेज गिवन होता तो परसेंटेज लिखते, फ्रैक्शन गिवन होता तो सीधा फ्रैक्शन लिखते। अब फ्रैक्शन नहीं गिवन है और हमें फ्रैक्शन चाहिए है, तो इस कॉलम के बाद तीसरा कॉलम बनेगा फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर 320 है, इस सब का टोटल हमने 720 निकाला था, टोटल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 320 अपॉन 720, और ये कितना आया था? 4/9। ऐसे ही 80 का क्या हो जाएगा? 80/720। ठीक है, और सीधा सीधा दिख रहा है, पता है कैसे? ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो रहा है, 8 × 1 = 8 और 8 × 9 = 72, मतलब ये बन गया 1/9। ऐसे ही 160/720 क्या बन जाएगा? देखो 160 जो है 80 का डबल है, 80 1/9 है, तो 160 कितना हो जाएगा? उसका डबल, मतलब कि 2/9। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही 120/720 की बात करें तो देखो 80 का डेढ़ गुना होता है 120। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो ऐसे देख लो, वरना सिंपल ऐसे 0 से 0 कैंसिल, 12 × 1 = 12 और 12 × 6 = 72, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ऐसे ही 40 की बात करें तो 40 कितना आ रहा है? 40/720, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 4 = 4, 4 × 1 = 4 = 18। ठीक है, तो 1/18। अब ये मत सोचना कि सब में नीचे 9 बनना ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये आपने निकाल लिया फ्रैक्शन। अब आप इसके बाद निकालोगे एंगल। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं बनाया हुआ टेबल। ठीक है, अब फ्रैक्शन मिल गई। अब हमें फ्रैक्शन में क्या करना होता है? 360 का मल्टीप्लाई करना होता है, और जो भी इसकी कैटेगरी होती है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है? इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करके, तो 4/9 × 360 कितना आ रहा है? 9 × 4 = 36। 9 से ये कैसे कैंसिल हो रहा है? 9 × 1 = 9, 4 = 36, 40 आ रहा है। तो 40 × 4 कितना हो गया? 160 डिग्री। तो इसका एंगल मुझे मिला 160। ठीक है, ऐसे ही इसका एंगल कितना मिल जाएगा? 1/9 × 360। सब चीज़ें हमेशा इतनी ही इजी रहेंगी सॉल्व करने के लिए, मतलब कि ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा सब जगह। ऐसा मत सोचना कि इससे हार्ड आएगा कुछ। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 और 0 एज इट इज़, तो यहाँ पर 40 डिग्री बना। ठीक है, ऐसे ही 2/9 के लिए देखो दोबारा इंटू 360 क्या हो जाएगा, पहले की तरह समझो। 1/9 कितना है? 40 डिग्री है, तो 2/9 उसका डबल हो जाएगा 80 डिग्री। अब है 1/6, तो 1/6 × 360, 6 × 6 = 36 होता है और 0 एज इट इज़, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब मेरे पास है 1/18, तो 1/18 × 360, 18 × 2 = 36 होता है, 0 एज इट इज़, तो 20 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशंस यहाँ पर आपकी थोड़ी अच्छी होंगी तो चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लोगे, वरना थोड़ा स्लो कर पाओगे। बस इतना टेबल आपको बनाना है और फिर हम लोग पाई चार्ट बड़े आराम से बना सकते हैं। इस टेबल में भी देखो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों वाली चीज़ें कैटेगरी और प्राइस। यहाँ फ्रैक्शन गिवन होता तो आप फ्रैक्शन लिखते और उसके बाद फ्रैक्शन को, सॉरी परसेंटेज गिवन होता तो परसेंटेज लिखते और उसको फ्रैक्शन में बदल लेते, डिवाइड बाई 100 कर देते परसेंटेज को हटा के। ठीक है, अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन गिवन होता तो आपको प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 3 कॉलम बनते, क्योंकि फ्रैक्शन से सबसे आसान और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है। सीधा 360 से मल्टीप्लाई करते और सेंट्रल एंगल मिल जाता। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अगर प्राइस या परसेंटेज गिवन है तो उससे फ्रैक्शन निकालना है, और फ्रैक्शन से सेंट्रल एंगल। अगर सीधा फ्रैक्शन गिवन है तो उससे सेंट्रल एंगल निकाल लेना है। सेंट्रल एंगल निकाल लेने के बाद आपको चाहिए होगा एक प्रोटेक्टर, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहीं पर बना पाएंगे हम लोग। अब प्रोटेक्टर ले लेना है आपको, या फिर आप डी भी बोलते हैं उसको। अच्छा देखो, अगर किसी को डी यूज़ करना नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप बता सकते हो, कमेंट्स में बता दो, क्योंकि अगर डी यूज़ करना नहीं आता है तो एंगल्स नहीं बना पाओगे और पाई नहीं बन पाएगा। तो डी यूज़ करना अगर नहीं आता है, एंगल्स टी से बनाने नहीं आते हैं, तो आप कमेंट्स में बता दो, ताकि हम लोग सेपरेटली कल ही उसके ऊपर एक वीडियो कर लें और आप ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको एंगल्स के साथ पाई चार्ट को फिनिश कर दें। ठीक है, तो डी यूज़ करना नहीं आता है तो बता दीजिए। तो सबसे पहले आप सर्कल बना लोगे पाई चार्ट के लिए, कंपस लेके, या फिर कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो आप उससे एक ये बना लोगे
सर्कल कंपास से बनाना पड़ेगा वैसे आपको, क्योंकि आपको इसका सेंटर चाहिए ही चाहिए है, सेंटर से ही सारा खेल है। ठीक है, तो कंपास में जहाँ पर भी नीडल रख के सर्कल बनाओगे उस पॉइंट को ऐसे मार्क कर दोगे कि ये सेंटर है। अब एक लाइन आप रेडियस की कहीं से भी ज्वाइन कर दो, कहीं से भी, मैंने यहाँ से ज्वाइन की, आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी एक लाइन आप इस तरह की ड्रॉ कर दो। अब इस लाइन को रेफरेंस पे स्टार्ट करते हुए आपको ध्यान देना है कि ये 160, 40, 80, 60 और 20 ये सारी एंगल्स बनाने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका भी है कि आपने जो एंगल्स निकाले हैं, हो सकता है कभी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आपकी फ्रैक्शन बन रही हैं सारी, इन सब का अगर आप सम करोगे तो 1 आएगा, लेकिन फ्रैक्शन देखो, अगर सब में नीचे 9 बन रहा होता तो ऐड करना आसान होता। अब यहाँ 3 में 9 बन रहा है, 1 में 6, 6 में 18, तो LCM लोगे, टाइम बर्बाद होगा। तो आप क्या करो, जो आपका सेंट्रल एंगल आ गए हैं इन सब का सम देख लो, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा 200, प्लस 80 कितना हो जाएगा 280, प्लस 60 कितना हो जाएगा 340, और उसमें 20 जोड़ देंगे तो 360। तो अगर 360 बन रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशन सही रही हैं, क्योंकि सर्कल में 360 होता है। अब उसी 360 को हमें यहाँ कैसे भी करके बनाना है, तो आपने क्या किया, कंपास से सर्कल बनाया, सेंटर को किसी भी एक कॉर्नर से जोड़ दिया। अब हमें सबसे पहले 160 डिग्री बनाना है। यहाँ पर आप रखोगे अपना डी, डी का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ रखोगे, मतलब डी कुछ इस तरह से रखा जाएगा। इसमें 160 देखो 90 से बड़ा होता है, मतलब इस तरफ वाला 160 आपको देखना है। 160 आपको दो जगह मिलेगा, क्योंकि डी में दो स्केल बने होते हैं, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर। बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कौन सा वाला यूज़ करना है 160, ये वाला, क्योंकि हम इस लाइन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो इस लाइन की 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा, यहाँ कहीं पर ऐसी 90 बनेगी, और 160 90 से बड़ा होता है। तो जो यहाँ वाला 160 होगा आपके कंपास डी में, उसको यूज़ करके आप एक 160 डिग्री एंगल की लाइन बना दोगे, मतलब ये एंगल जो आ रहा है ना, ये आपका 160 होना चाहिए। अब इसको आप डायरेक्टली लिख दोगे कि ये जो है वो ब्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है 320 रुपीज़। अब इस लाइन की रेफरेंस ख़त्म, अब हम इस लाइन के रेफरेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन के रेफरेंस, ये एंगल आपको इरेज नहीं करना है, अभी मैं डी रख के दिखाऊंगा दोबारा, रफ डी जैसे अभी रखी थी इसलिए मिटाएं। अब ब्रेड हमने बना ली 160, अब 40 डिग्री बनाना है फ्रूट ब्रेड के लिए। तो यहाँ पर दोबारा जो सेंटर पॉइंट है डी, अब कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, क्योंकि ये लाइन रेफरेंस है और इस लाइन के रेफरेंस में 40 डिग्री आपको बनाना है। तो अब फिर से आपको देखो, ये 90 डिग्री होता है, 90 दोनों सेम मिलेंगे, दो स्केल बने होते हैं इसमें, एक 40 आपको यहाँ कहीं मिलेगा और एक यहाँ कहीं मिलेगा। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि 40 हम इस लाइन की रेफरेंस में बना रहे हैं, 40 क्या होता है, 90 से कम होता है, मतलब इसके पहले आएगा और इसके पास आएगा। तो ये वाले 40 से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये एंगल था आपका कितना, 160 डिग्री, पर आपको एंगल नहीं लिखना है। ठीक है, एंगल तो लिखना ही नहीं है, कोई बात नहीं, एंगल तो हमें लिखना नहीं है। ये हो गया 40 डिग्री वाला, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 रुपीज़ को, फ्रूट ब्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 160 का एंगल बना लिया, 40 का एंगल बना लिया। अब आपकी ये लाइन रेफरेंस हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन रेफरेंस है और हमें 80 बनाना है केक एंड पेस्ट्री के लिए। फिर से डी को यहाँ पे रखोगे इस तरह से, इस लाइन से कोइंसाइड करते हुए। ठीक है, इस लाइन पे सीधा रहना चाहिए डी, और अब आप 80 डिग्री बना दोगे। 80 दोबारा देखो 90 से कम है, तो इसके पास होगा, क्योंकि ये लाइन रेफरेंस की है। तो 80 डिग्री जहाँ पे भी आ रहा होगा आप ऐसे 80 डिग्री को बना देंगे, और ये 80 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है केक एंड पेस्ट्री को, जो कि है 160 रुपीस के बराबर। ये हो गया 160 रुपीस। फिर हमारे पास बिस्किट 60 डिग्री बनाना है। इस पॉइंट के सेंटर को सेंटर पे रखते हुए ऐसे डी रखोगे यहाँ पर, 60 डिग्री 90 से कम है, तो इस लाइन के पास जो 60 होगा वहाँ पर आप 60 डिग्री इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये 60 डिग्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 120 रुपीस को, जो कि हैं बिस्किट के। अब इसके बाद लास्ट चीज़ के लिए अपने आप एक ही चीज़ बच रही है, वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा यहाँ पर आप लिख दोगे 40 रुपीस अदर्स। तो इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी लाइन ड्रॉ करते जानी है। सबसे पहले ये लाइन रेफरेंस की होगी, ये आपने रैंडमली ड्रॉ कर ली थी सेंटर से जॉइन करके। उसके बाद एक एक करके आप अलग अलग एंगल्स जो हमने कैलकुलेट करे हैं
उन पे लाइंस को ड्रॉ करते जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो शायद थोड़ा हार्ड लग रहा हो, बट जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जैसे ही हम इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे, हम मतलब कि मैं और आप दोनों, आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर भी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।